खुशी अधूरी है।
जीवन जीवन मिलना मुश्किल नहीं, जीवन जीना बहुत कठिन है। ये जीवन हमें बड़ा मुश्किल से मिला है और मुश्किलों से इस प्रकार मिला है कि हम यहां पर आए हैं, इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करेंगे। और मिलने ये जीवन मिलने के बाद में हमें सरल लगने लगा है, पर सरल कब होगा? जब हमारी व्यवहार भरी कमाई ये दुनिया याद रखेगी, क्योंकि जाने के बाद में इंसान का केवल प्रेम याद किया जाता है, बड़े से बड़े बंगले महंगी से महंगी गाड़ियां याद नहीं की जाती। काका साहब ने अपने जीवन में ईमानदारी की कमाई की और कमाई के वक्त उन्होंने 1200 रुपए की साइकिल ली। क्या लिया? केवल 1200 रुपए की साइकिल। और जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो उसके बाद में उन्होंने परिवार में बच्चों की शादियां करवाई और शादियों के बाद उन्होंने गृहस्थी जीवन जिया और गृहस्थी के बाद में उन्होंने प्रभु भक्ति भी की। ऐसा जीवन होना चाहिए। एक बार उनके सर सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। और मैंने उनके बारे में पढ़ा कि वो सन्यासी बने और साबरमती गुरुदेव के चरणों में, महामंडलेश्वर के चरणों में, वहां पर उन्होंने भक्ति की। और उनके साथ में हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी, वहां पर उनके पास में महीने भर तक रहे और वो भी भजनों में आनंद लेते थे, मजीरा बजाते थे साथ में। ऐसी शख्सियत, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए और सर सम्मान। आज उनके निमित्त हम बैठ करके यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं। याद आते हैं जब कर्म तेरे मेरी आँखों बहते आंसू मुझ से कहते हैं, ऐ मेरे दोस्त लौट के आ जा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, आके तो देख मेरी हालत को, चरणों में कहेंगे, जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, जब से देखा मेरे गुरुवर में तेरा भगत हो गया, चिट्ठी ना कोई जाने वो कौन सा देश तू चले गए। बोले पुण्यात्मा की